एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन भी बाकी जो आपने वेलोसिटी और ये सब पढ़े हैं स्पीड, इनकी तरह भी एक रेट है। तो जब रेट है तो आपको पता है क्या करना होता है रेट के साथ, हमको दो तरह की पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपका एवरेज एक्सलरेशन कैसे डिफाइन होता है, ऐसा वेक्टर है, एवरेज भी एक्सलरेशन भी वेक्टर है, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन भी वेक्टर है, ठीक है ना। तो अब शुरू ही कर रहे हैं बेटा, पहला ही पढ़ रहे हैं, पीछे कोई छूटा नहीं है आपका, ठीक है, यहीं से शुरू हो रहा है बिल्कुल, ये एवरेज एक्सलरेशन से, ठीक है। तो एवरेज एक्सलरेशन कितना आ रहा है आपका, एवरेज एक्सलरेशन डिफाइंड है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो आप पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे, एवरेज एक्सलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और फिर आपको अब पता पड़ा कि अगर डेल्टा टी है, अगर मैंने कर दिया इसको लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, तो आपका ये क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है टेंजेंशियल, ओ सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। लेकिन ये बड़ी वो है कि मैं जनरली अभी, चलो अभी सर्कुलर मोशन तक नहीं है तब तक ठीक है, नहीं तो एटी को मैं टेंजेंशियल एक्सलरेशन लिखता हूँ। अभी आप इसको इंस्टेंटेनियस मान के करें, लिख देते हैं क्लियरली यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन ए वेक्टर ही बोल देंगे अपन जनरली, ठीक है ना। तो आपका ए वेक्टर कितना होता है, डीवी वेक्टर बाई डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या मतलब हुआ, क्या डेफिनेशन हुई, एक्सलरेशन किसको बोलते हैं, अगर कभी लिखने को आ जाए स्कूल में तो आप लिख भी सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सिलरेशन ऑफ द पार्टिकल, इज कॉल्ड एक्सिलरेशन वेक्टर या एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल। या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सिलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब आपको लिखना है इसमें, देखो क्या लिखेंगे हम, वैसे ही करेंगे, सेम प्रोसीजर है कि जनरल टाइम पर ए वेक्टर कुछ मान लिया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इक्वल टू डी बाई डी टी, और वेलोसिटी मान ली वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप वी जेड के कैप, ये आपने वेलोसिटी वेक्टर मान लिया इसका, ठीक है। तो आप आई कैप जे कैप के कैप इक्वेट कर देंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, ए एक्स कितना आएगा, डी वी एक्स बाई डी टी निकल के आएगा, ए वाई कितना निकल के आएगा, डी वी वाई बाई डी टी निकल के आएगा, ए जेड कितना आएगा, डी वी जेड बाई डी टी निकल के आएगा। अगर जो बिल्कुल साथ में पढ़ रहे होंगे अच्छी तरह बिल्कुल, उनको बिल्कुल आगे का स्टेप पता होगा, मैं क्या लिखूंगा बताओ जल्दी से, इसके बाद में क्या लिखूंगा। हाँ वो दूसरा स्टेप है, वो दूसरा स्टेप रहा, अब तक उससे पहले क्या लिखेंगे, दूसरा स्टेप बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ एग्जैक्टली, और दूसरा फिर हम इंटीग्रेशन में, यही तो कर रहे हैं बेटा, पूरी काइनेमेटिक्स के वेरिएबल्स में यही तो ब्लेम करा है फलने, और क्या करा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करा है, सारे चीजें इसी एनालिसिस पर बेस्ड है कि एक वो क्या होता है डिफरेंशिएशन से आता है, वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से क्या आ जाता है आपका एक्सलरेशन आ जाता है, तो इसलिए एक्सलरेशन का इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, पूरे टाइम यही तो करा है बेटा, ठीक है ना, पूरे टाइम यही करा है। तो वापस वही लिख देता हूँ मैं, हैंड स्लोप ऑफ, क्या लिख देंगे, स्लोप ऑफ, वो डेफिनेशन से डीवाई बाई डी एक्स की, बेटा बहुत ही आसान काम है, मतलब इससे आसान काम कुछ नहीं है, ठीक है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब जिस कंपोनेंट का स्लोप लोगे उसी डायरेक्शन का एक्सलरेशन मिलेगा, ये भी क्लियर है आपको डेफिनेशन से, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू एक्सिलरेशन एट दैट इंस्टेंट, विल बी इक्वल टू एक्सिलरेशन एट दैट इंस्टेंट। तो आपसे आपकी जिंदगी में एक्सिलरेशन क्या है, क्या दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले, एक्सिलरेशन वेक्टर के नाम पे बार बार पूछूंगा मैं, एकदम तुरंत जवाब आने चाहिए आप लोगों के, तभी एग्जाम में आ पाएंगे। एक्सिलरेशन है आपकी जिंदगी में डी वी वैक्टर बाई डी टी, दिस इज एक्सिलरेशन,
जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्या है, डी आर वेक्टर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज, उससे सब चीजें निकल जाएंगी बेटा। इतनी कैलकुलस, इतना वेक्टर आप सीख चुके हैं, इससे आगे की कोई भी कहानी आप खुद बना सकते हैं अगर ये आपको क्लियर रहेगी। ये एक्सेलरेशन है, फिर इसमें आपको वो नहीं घुमा सकता बेटा, कुछ भी हो जाए किसी भी तरह से नहीं घुमा सकता, ठीक है ना। अब आप इंटीग्रेशन वाला लगा देंगे, जैसे एक्स है आपका ए एक्स, तो डी वी एक्स बाई डी टी, तो इसमें डी वी एक्स क्या आ जाएगा आपका, ए एक्स इंटू डी टी आ जाएगा। तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालना हो तो क्या आएगा, ए एक्स इंटू डी टी, टी वन से टी टू तक, क्या बन गया है। तो ध्यान रखें, एरिया ऑफ एक्सलरेशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी नहीं देता है, क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है बेटा, ठीक है ना। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव वो सब आपका एरिया के साइन के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। एरिया का साइन वाली बात वही है इसमें, जो वेलोसिटी में थी, अभी नोट में लिखा हूँ, पहले ये लिख दूँ आपको, एरिया बाउंडेड बाय एक्सलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय एक्सलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया बाउंडेड बाय एक्सलरेशन टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सेस, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सेस विल बी इक्वल टू, एरिया बाउंडेड बाय एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एरिया बाउंडेड बाय एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद उसी तरह से नोट